नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि अभी के वक्त में यही सबसे बड़ा हथियार है। इसी के साथ आइए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कि कच्चा चिट्ठा प्रोग्राम में आज आपके लिए कौन सी विशेष रिपोर्ट हम लेकर आए हैं। बर्बादी का बलून बम। जी हाँ, आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा कि एक बलून तबाही का सबब बन सकता है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसराइल और फिलिस्तीन के बीच बलून से एक बार फिर जंग की ज्वाला भड़क उठी है। दरअसल फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इसराइल पर हमले के लिए इस बार रॉकेट की जगह बलून बम का इस्तेमाल किया। इन बलून बम से इसराइल के कई इलाकों में आग लग गई, जिसके बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पर एयर स्ट्राइक कर दी। जानकारों का मानना है कि हमास की इस कायराना हरकत से सीजफायर समझौते के बाद एक बार फिर जंग के शोले भड़क सकते हैं। हमास के बलून बम, इसराइल ने दिखाया दम। हमास ने उकसाया, फिर शुरू होगी जंग। इसराइल में नई सरकार बनने के बाद पूर्वी यरूशलम में यहूदियों ने मार्च ऑफ फ्लैग निकाला। यरूशलम पर इसराइल के कब्जे का जश्न मनाया। हजारों की तादाद में लोग अरब समुदाय के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इसराइल की पुलिस को भी पता था कि माहौल खराब हो सकता है, लिहाजा कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अरब समुदाय के लोग भी इकट्ठा हो गए। वो इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। We're surrounded by enemies, this is true. But the only way to defeat those enemies is to show strength and strength of conviction. And this is a show of strength. We called the government yesterday to prevent this march in order to prevent escalation and violence. We are not interested in violence. कुछ ही घंटों में पूर्वी यरूशलम जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन की आग में घी का काम किया हमास ने। जी हाँ, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने कुछ ऐसा किया जिससे गाजा शहर पर एक बार फिर बम बरसने लगे। रात के अंधेरे में गाजा शहर आग की लपटों में घिर गया। इससे पहले कि हम आपको इसराइल के गाजा पर किए गए ताजा हमलों की तस्वीरें दिखाएं, देखिए हमास ने किस तरह बलून बम से एक बार फिर जंग जैसे हालात पैदा कर दिए। दरअसल हमास ने गाजा से बलून में बारूद भरकर इसराइल की ओर छोड़े। ये बलून जिन इलाकों में गिरे वहां आग लग गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह हमास के आतंकी बलून बम तैयार कर रहे हैं, किस तरह बलून में बारूद भरकर इन्हें छोड़ा जा रहा है। लेकिन हमास की ये करतूत फिलिस्तीन पर एक बार फिर भारी पड़ी। हमास के बलून बम से कई जगहों पर आग लग गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसराइल की नई और राष्ट्रवादी सरकार ने फौरन गाजा पर हमले का हुक्म दे दिया। इसके बाद जो हुआ वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक कर दिया। दावा है कि इसराइल की वायुसेना ने हमास के ठिकानों पर हमला कर उन्हें जमींदोज कर दिया। हालांकि इसराइल के हमलों में किसी के भी मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन इस हमले से एक बार फिर जंग की ज्वाला भड़क सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हमास के साथ
सीज फायर समझौता खत्म कर फिलिस्तीन पर इसराइल नए सिरे से हमलों का सिलसिला शुरू कर सकता है। आज की तारीख में उन्होंने एयर स्ट्राइक करी है, क्योंकि उनका कहना है कि हमास ने जो आग वाले गुब्बारे इसराइल की तरफ दागे हैं वो अपने आप में एक थ्रेट है। दोनों ही देश के बीच का ये तनाव हमेशा से चला आया है, अभी भी चल रहा है। ये जो सीज फायर एग्रीमेंट्स होते हैं ये सिर्फ थोड़े समय के होते हैं। हाँ, ये तनाव जंग का रूप हर रोज़ाना नहीं लेती, लेकिन हर थोड़े समय के बाद लेती है। जिस तरीके से अब वो दोनों वापस चल पड़े हैं, एस्केलेट होने में 2 मिनट लगेंगे कि यस एयर स्ट्राइक हुई, वहाँ से रॉकेट छूट गए और एक तरह की लड़ाई शुरू हो गई। जानकारों का मानना है कि इसराइल में नफ्ताली बेनेट की सरकार बनने के बाद गाजा और हमास के ठिकानों पर हमले बढ़ सकते हैं। इसलिए क्योंकि नफ्ताली बेनेट कट्टरपंथी यहूदी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बेनेट ज्यादातर यहूदी टोपी या कहें किप्पा लगाकर रखते हैं। नफ्ताली बेनेट फिलिस्तीन का वजूद नहीं मानते, हालांकि उन्होंने अपनी गठबंधन सरकार में अरब मुस्लिमों की पार्टी को भी शामिल किया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो कट्टर यहूदियों को नाराज नहीं कर सकते। बेनेट सरकार ही नहीं, इसराइल का अगर कोई एक नॉर्मल सिटीजन भी अगर कल प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, उसका ये एम जरूर रहेगा कि हमास सवाल ही नहीं उठता कि वो एग्जिस्ट कर पाए, और उसके खिलाफ सभी इसराइली एकजुट हैं, चाहे वो नए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो पुराने हो। ये तो नेतन्याहू से भी अगर आज आप पूछेंगे तो उनका स्टैंड जो का त्यों रहेगा। मुझे लगता है बेनेट सरकार अपने आप में एक एग्जेम्पलरी लड़ाई लड़कर देगी। 49 साल के नफ्ताली बेनेट ने खुले तौर पर फिलिस्तीन की आजादी और उसके अलग मुल्क बनाए जाने का सैकड़ों बार विरोध किया है। वेस्ट बैंक और यरूशलम में यहूदियों की बस्तियां बसाने पर जोर देते रहे हैं। ऐसे में हमास ने अगर बलून बम या रॉकेट हमले कर इसराइल को उकसाने की कोशिश की तो नफ्ताली बेनेट पहले से कहीं ज्यादा और घातक हमले कर उसके ठिकानों को तबाह करने का ऑपरेशन छेड़ सकते हैं, जिससे होगा ये कि गाजा शहर एक बार फिर धुएं और बारूद के बादलों में गुम हो जाएगा। एक बार फिर गाजा लाशों के शहर में तब्दील हो सकता है। जिस तरीके से अब वो आग के बलून्स भेज रहा है इसराइल की तरफ, ये सब एक अपने आप में स्तर गिरा रहा है और लड़ाई का स्तर बढ़ा रहा है, क्योंकि यकीनन बात सही है कि इसराइल अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी करेगा, और अब हमास पूरे वर्ल्ड में एक तरीके का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनता चला जा रहा है। ये हमास के लिए, पैलेस्टीन के लिए अच्छा नहीं है, मानवता के लिए अच्छा नहीं है। फिलहाल इसराइल की ओर से एयर स्ट्राइक के बाद माहौल शांत है, लेकिन हमास के आतंकी एक बार फिर कोई नापाक हरकत को अंजाम दे सकते हैं, लिहाजा इसराइल डिफेंस फोर्सेस के जवान मुस्तैद हैं। इसराइल की वायु सेना अलर्ट मोड पर है। और फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास बलून बम दाग रहा है, तो अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन तालिबान धमाकों से अपने ही लोगों की जान लेने पर तुला है। अफगान आर्मी ने तालिबान के करीब 200 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया तो तालिबान बौखला उठा। उसने अफगानिस्तान सरकार की एक इमारत को धमाके से उड़ा दिया। खबरों के मुताबिक तालिबान बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। तालिबान ने आधे से ज्यादा जिलों पर अपना सफेद झंडा फहरा दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अमेरिकी सेना की वापसी तक अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित हो जाएगा? अफगान सेना का वार, तालिबान का पलटवार। अफगानिस्तान में गृह युद्ध, जनता का हाहाकार। इस साल सितंबर तक अमेरिका की सेना अफगानिस्तान छोड़कर चली जाएगी। करीब 20 साल से ज्यादा का वक्त गुजारने के बाद अमेरिकी फौज वतन लौट जाएगी, लेकिन अमेरिकी फौज की पूर्ण वापसी से पहले ही आतंकी संगठन तालिबान ने जंग का ऐलान कर दिया है। तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान में एक बार फिर अपने पैर पसारता जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान का सफेद झंडा लहराने लगा है। यकीन नहीं होता
तो ये वीडियो देखिए। अकबर। एक धमाका होता है और ये इमारत जमीन दोज हो जाती है। खबरों के मुताबिक ये धमाका अफगानिस्तान के अनरदारा जिले में हुआ। पहले तालिबान ने यहाँ अपना कब्जा जमाया और उसके बाद अफगान सरकार की इस इमारत को बम से उड़ा दिया। जानकारों का मानना है कि तालिबान हर उस चीज को जमीन दोज कर देना चाहता है जिसे अफगानिस्तान की सरकार ने बनाया है। तालिबान के आतंकी अफगान सरकार के निर्माण कार्य को पूरी तरह ध्वस्त कर देना चाहते हैं। तालिबान अफगान सरकार की हर निशानी को मिटा देना चाहता है। डेवलपमेंट के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो दूसरे देश उसकी मदद कर रहे हैं, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तालिबान इसके अगेंस्ट है। क्योंकि तालिबान एक कट्टर जो गुट होने की वजह से ये सिर्फ इस्लाम के रास्ते के ऊपर, वो जो एक आतंकी का रास्ता है उसी के ऊपर चलेगा। तो इसको इस चीज का कुछ ज्ञान नहीं है कि अगर अफगानिस्तान एक डेवलप्ड देश होता है, इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो उसके साथ अफगानिस्तान और उसके लोगों का फायदा है, तो ये इस फायदे को बिल्कुल नहीं समझ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के धमाकों की गूंज भारत में भी सुनाई दे रही है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में काफी निवेश किया है। अफगानिस्तान में भारत ने कई निर्माण कार्यों को अंजाम दिया है और कुछ तो अब भी जारी है, लेकिन जिस तरह तालिबान का प्रभाव बढ़ रहा है उससे भारतीय निवेश भी खतरे में पड़ सकता है। आपको बता दें कि तालिबान धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने की रणनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में कुल 421 जिले हैं, इनमें से 106 जिलों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जबकि अफगान सेना सिर्फ 94 जिलों पर काबिज है। यही नहीं, 198 जिलों के लिए तालिबान और अफगान सेना के बीच जंग चल रही है। गौर करने वाली बात ये कि पिछले 6 हफ्तों में ही आतंकी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान के 32 जिलों पर कब्जा जमा लिया। हालांकि अफगानिस्तान की सेना तालिबान के खिलाफ जंग में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पिछले 24 घंटों में ही तालिबान के करीब 200 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, लेकिन मुश्किल का सबब यह है कि अफगान सेना के पास रसद, हथियार, गोला बारूद की कमी हो रही है। तो इस कमी की वजह से अफगान सेना को अपने 26 सैन्य अड्डे सरेंडर करने पड़े, जिन पर अब तालिबान का कब्जा है। छोड़ने के बाद जो अफगानिस्तान की हालत हो सकती है, वो ऐसे लग रहा है कि वो फिर 2001 जैसी पहले वाली हालत होने की संभावना है। क्योंकि तालिबान जो है वो भी एक बहुत ही अड़ियल और एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि कट्टरपंथी का एक गुट है, जो अफगानिस्तान के अंदर अपनी आतंकी जो कार्रवाइयां हैं, जो उनकी गतिविधियां हैं, वो कर रहा है। अफगानिस्तान में हाल के दिनों में हिंसा और तालिबानी हमलों में इजाफा दर्ज किया गया है। हालांकि तालिबान ने ज्यादातर हमलों की जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसने पूरे देश में कई जगहों पर सुरक्षा चौकियों और सेना के काफिलों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में इसे जंग का आगाज कहा जा सकता है, ऐसी जंग जिसकी लपटें भारत पर भी असर डाल सकती हैं, क्योंकि तालिबान के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तालिबान मजबूत हुआ तो पाकिस्तान के आतंकी संगठन मजबूत होंगे, और वही आतंकी संगठन कश्मीर घाटी में एक बार फिर अपनी दहशत की दुकान खोलने की कोशिश कर सकते हैं। और अब बात डरे ड्रैगन की। अमेरिका और यूरोपीय देशों की मुखालफत से चीन को गहरी चोट पहुंची है। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ अमेरिका के ऐलान जंग से चीन की साख गिर गई है, लिहाजा अब डरे ड्रैगन ने एक बार फिर डंक मारने की कोशिश की है। चीन की लाल सेना ने न सिर्फ ताइवान बल्कि दक्षिण चीन सागर में शक्ति प्रदर्शन किया। ताइवान में चीन ने अपने लड़ाकू विमान भेजे,
जबकि दक्षिण चीन सागर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपना अत्याधुनिक जंगी जहाज उतार दिया। हालांकि रक्षा जानकारों का मानना है कि चीन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर दबाव बनाने के मकसद से कर रहा है। जिस तरह अमेरिका ने G7 और नाटो के जरिए चीन को घेरने की कोशिश की, ठीक उसी तरह चीन अमेरिका पर चौतरफा दबाव बनाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है। अमेरिका की ललकार ड्रैगन का यलकार। चीन ने भेजे फाइटर, उबलने लगा समंदर। दुनिया में बढ़ा तनाव, ड्रैगन देगा बड़ा घाव। कोरोना वायरस फैलाने और परमाणु हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने के मुद्दे पर चीन लगातार घिरता जा रहा है। पूरी दुनिया ड्रैगन को एक संभावित खतरे के तौर पर देख रही है। अमेरिका समेत तमाम देश चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। पहले G7 देशों ने चीन को घेरा, फिर नेटो ने चीन को सुधर जाने की चेतावनी दी, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं। विस्तारवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना चुके ड्रैगन ने एक साथ दो जगहों पर अपनी ताकत की नुमाइश की है। चीन ने पहले तो ताइवान के हवाई क्षेत्र का एक बार फिर उल्लंघन किया। चीन ने अपने लड़ाकू विमान ताइवान भेजे। इसके बाद चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी धमक दिखाने की कोशिश की। लाल सेना ने यहां अपने नए और अत्याधुनिक मिसाइल डिस्ट्रॉयर जंगी जहाज को उतार दिया। ताइवान के साथ चीन की अदावत बहुत पुरानी है। ताइवान ने चीन के आधिपत्य को कभी स्वीकार नहीं किया। ताइवान अपने संविधान और अपने विधान के तहत चलता रहा, लेकिन हाल के दिनों में शी जिनपिंग ने ताइवान पर कब्जे की कोशिश तेज कर दी। ताइवान की सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों के साथ शी जिनपिंग ने उस पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका को मैदान में कूदना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने G7 सम्मेलन के दौरान भी ताइवान के मुद्दे पर चीन को लताड़ लगाई और चेतावनी दी, लेकिन चीन नहीं माना। चीन ने अपनी हेकड़ी दिखाते हुए ताइवान पर दबाव बनाने की एक और कोशिश की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन ने मंगलवार को ताइवान की ओर अपने 28 लड़ाकू विमान भेजे। ताइवान की तरफ आए विमानों में 14 J-16 और 6 J-11 लड़ाकू विमान भी शामिल थे। हालांकि इसके बाद ताइवान की वायुसेना ने फौरन प्रतिक्रिया देते हुए अपने लड़ाकू विमानों के दस्ते को तैनात कर दिया। यही नहीं, ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए द्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में निगरानी बढ़ा दी। ताइवान की माने तो पिछले एक साल से चीन के लड़ाकू विमान लगभग रोजाना ताइवान की तरफ उड़ान भर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मंगलवार को अब तक सबसे अधिक संख्या में एक ही दिन में चीन ने लड़ाकू विमान ताइवान भेजे। G7 और नेटो राष्ट्रों की आलोचनाओं और चेतावनियों के बावजूद ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चाइना ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का अब तक का सबसे बड़ा इनकर्जन किया है और चाइना ने अपने 28 लड़ाकू विमानों को ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में भेजा और जिसमें कि फाइटर्स विमान भी शामिल है और न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स भी शामिल रहे। और जाहिर है कि इस तरीके का वायलेशन करके चाइना ने G7 और नेटो राष्ट्रों की दी गई चेतावनियों को बिल्कुल से नज़रअंदाज कर दिया या उन्हें चुनौती देने की कोशिश की। G7 समूह के देशों ने 3 दिन पहले ही बयान जारी कर ताइवान के मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का आह्वान किया था। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा था कि G7 समूह जानबूझकर चीन के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन इसके बाद जिस तरह से चीन ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और ताइवान की ओर फाइटर जेट भेजे, उससे जाहिर होता है कि चीन को ना तो G7 की परवाह है और ना ही नेटो की।
ऐसे में बहुत मुमकिन है कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका एक शक्तिशाली गठजोड़ बनाए और चीन को सबक सिखाने की तैयारियों को तेज करे। कम्युनिस्ट शासकों का रुख ताइवान के प्रति लगातार एग्रेसिव होता जा रहा है। पहले चाइना के कम्युनिस्ट शासक ताइवान के पीसफुल यूनिफिकेशन की बात करते थे, लेकिन अब हाल की कम्युनिस्ट पार्टी की जो बैठकें हुई हैं चाइना में, उसमें पीसफुल शब्द उन्होंने हटा दिया है। अब वो सिर्फ यूनिफिकेशन की बात करते हैं। तो ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाइना ताइवान के ऊपर बलपूर्वक ऑक्युपाई करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यदि चाइना ताइवान के ऊपर कोई हमला करता है तो जाहिर है कि ताइवान के पक्ष में पूरा विश्व का जो लोकतांत्रिक समाज है वो खड़ा होगा। अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच ड्रैगन ने दक्षिण चीन सागर में मिसाइलों को नष्ट करने वाले युद्धपोत को भी उतार दिया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना में इसी साल टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर द नैनिंग को नौसेना में शामिल किया गया था। तो ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने सैन्य अभ्यास के दौरान पहली बार इसे दुनिया के सामने पेश किया है। आपको बता दें कि चीन ने टाइप 052D डिस्ट्रॉयर की 3 खेप तैयार की है। हालांकि पहली दो दिखने में काफी अलग है, लेकिन तीसरी को कहीं ज्यादा आधुनिक बनाया गया है। अभ्यास के बाद ये संकेत मिले हैं कि द नैनिंग डिस्ट्रॉयर तेज गति के साथ लड़ाई करने में माहिर है। ये एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम चाइना हमेशा खेलता है, और ये माइंड गेम्स हम देख रहे हैं कि पिछले कोई 3-3.5 साल से ये चल रही हैं। और चाइना जो है वो अपनी हरकतों से, ऐसी बातें करने से बिल्कुल नहीं कतरा रहा और बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। तो ये अगर स्थिति ऐसे रहती है तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ये एक युद्ध का रूप भी ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने अभी और भी बहुत से हथियार तैयार करके रखे हैं और जल्द ही उनका भी गहरे नीले पानी में परीक्षण किया जाना है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सुपर पावर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चेतावनी के बावजूद ड्रैगन दक्षिण चीन सागर में अपनी मनमानी करता रहेगा? क्या चीन जानबूझकर दक्षिण चीन सागर को जंग की आग में झोंकने की कोशिश करता रहेगा? और अगर समंदर में युद्ध हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा? एक गलत जो है वो माइंडसेट है, इसको ठीक करने के लिए ही हम देखते हैं कि दुनिया के दूसरे जितने भी तमाम देश हैं, जैसे अमेरिका और उसके एलाइज हुए या क्वाड की फोर्सेस हुई, वो कहती हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, जो इंटरनेशनल कानून है, उसके मुताबिक चाइना को चलना चाहिए, ना कि उसको अपनी मनमानी करनी चाहिए। तो ये जो एक उसका एक गलत माइंडसेट है, इसी को लेकर एक टकराव जो है वो हम देखते हैं कि साउथ चाइना सी से पिछले 3.5 साल से चल रहा है। दुनिया पर कोरोना महामारी थोपने वाला चीन अपनी काली करतूतों से तौबा नहीं करने वाला। चीन एक राष्ट्र के तौर पर नहीं बल्कि तबाही के सामान के तौर पर खुद को स्थापित करता जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी महत्वाकांक्षाओं को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में चीन पर जितनी जल्दी लगाम लगाई जाएगी उतनी जल्दी खतरा टल सकता है।